बुलदीप, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म फॉर क्लास फिफ्थ। बच्चों, आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण का पाठ एक भाषा और व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं। प्रश्न एक, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के कितने रूप होते हैं? उत्तर, भाषा के दो रूप हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। प्रश्न दो, भाषा में व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है? भाषा में व्याकरण पढ़ना क्यों आवश्यक है? उत्तर, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाता है। व्याकरण से हमें विभिन्न नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए भाषा में व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। तीसरा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क, भाषा साधन है और विचारों को सुनने का व बात को कहने का, सौ विचारों के आदान प्रदान का। भाषा साधन है विचारों के आदान प्रदान का। सौ पर सही का निशान लगाएंगे। ख, भाषा के मान्य रूप हैं और लिखित व सांकेतिक, व मौखिक व सांकेतिक, सौ लिखित व मौखिक। सौ लिखित व मौखिक पर सही का निशान लगाएंगे। ग, भाषा को शुद्धता प्रदान करता है और भाषा का लिखित रूप, व व्याकरण, स लिपि। भाषा को शुद्धता प्रदान करता है व्याकरण, व पर सही का निशान लगाएंगे। घ, व्याकरण निम्न में से किसे मान्यता नहीं देता? और भाषा का लिखित रूप, व भाषा का सांकेतिक रूप, स भाषा का मौखिक रूप। व्याकरण निम्न में से किसे मान्यता नहीं देता? भाषा का सांकेतिक रूप पर सही का निशान लगाएंगे। होमवर्क के प्रश्न, प्रश्न उत्तर याद करना है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ याद करना है। पाठ दो, वर्ण विचार। प्रश्न एक, वर्ण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? उत्तर, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं, जैसे अ, ए, उ, आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा घ आदि। प्रश्न दो, स्वर तथा व्यंजन की परिभाषा लिखिए। स्वर तथा व्यंजन की परिभाषा लिखिए। उत्तर, स्वर वर्ण, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाएं वे स्वर वर्ण कहलाते हैं, जैसे अ, ई, उ, री आदि। व्यंजन वर्ण, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे क, च, ट, ठ, त आदि। तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। क, कोयल, आधा क प्लस ओ प्लस य प्लस अ प्लस ल प्लस अ। कौवा, आधा क प्लस औ प्लस आ। बंदर, आधा ब प्लस अंग प्लस आधा द प्लस अ प्लस आधा र प्लस अ। विद्यालय, आधा व प्लस ई प्लस आधा द प्लस य प्लस आ प्लस ल
प्लस अ प्लस य प्लस अ। चौथा, संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए तीन तीन शब्द लिखिए। क छ, कक्षा रक्षा भिक्षुक। ख त्र, त्रिभुज त्रिभुवन त्रैलोक्य। ग ज्ञ, ज्ञानी ज्ञाता ज्ञानवान। घ श्र, श्रमिक श्रवण श्रीमान। पांचवा, निम्न के तीन तीन उदाहरण लिखिए। क दीर्घ स्वर वाले शब्द, आदमी मीठा औरत। ख विसर्ग वाले शब्द, अतः प्रातः पुनः। ग अनुनासिक वाले शब्द, मुंह चांद गांव। घ द्वित्व व्यंजन वाले शब्द, पक्का सिक्का कुत्ता। होमवर्क के प्रश्न, प्रश्न उत्तर याद करना है, वर्ण विच्छेद संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग याद करना है।